लापरवाही, अनट्रेन डॉक्टरों ने किया महिला का ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। महोबा में मिशन शक्ति की शुरुआत, जिले में लगेगा महिला अपराधों पर अंकुश, 400 गांव में चलेगी मिशन शक्ति की मुहिम। इंसाफ की आस में पीड़ित परिवार ने दी आत्मदाह की चेतावनी, कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर हुई चेतावनी। तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को टक्कर, एक युवक की हुई मौत, दूसरा घायल, पुलिस ने शव के लिए भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सहारनपुर में बढ़ रहे अपराधों को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी मामले में सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने महिला अपराध संबंधी प्रकरण में संतोषजनक और विधिक कार्रवाई न करना और उच्च अधिकारियों के बार बार आदेश देने के बावजूद भी लापरवाही बरतने में थाना प्रभारी और विवेचक वरिष्ठ उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित निरीक्षक और उप निरीक्षकों के नाम प्रमोद कुमार गौतम और साथ ही सहारनपुर के वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक कुमार हैं। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। बता दें, घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंभीर फ्लाईओवर के नीचे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? किचन जोर से जेवर के लिए जा रहे थे। अच्छा, तो कितने की मौत है? जी, कितने की मौत है इसमें? एक की मौत। और घायल? दूसरा घायल है। क्या क्या नाम है इनके? मृतक जो खत्म हो गए हैं मृतक, इनके नाम रहीस। और जो घायल? और जो दूसरे जो घायल है वो है रहीस। एटा में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते पति ने नहर में कूदकर जान दे दी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से मृतक के शव को ढूंढने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके 20 घंटे बाद भी नहर से शव बरामद नहीं हो सका है। बता दें, सारा मामला थाना मिरहैची के रतनपुर गांव के पास हजारा नहर का है। फरुखाबाद में कुछ दिन पहले पेड़ से लटकता युवक का शव बरामद हुआ, वहीं दबंगों ने ट्यूबवेल पर चढ़कर मृतक के पिता के साथ भी मारपीट की। बता दें, पीड़ित परिवार ने भाजपा मंडल के अध्यक्ष पर युवक को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसपी से लेकर आला अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगाई गई और साथ ही भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को ज्ञापन देकर न्याय की मांग हुई। तब यहाँ आए, यहाँ इन्होंने ज़्यादा पहले शुरू कर दी, वो तो यहाँ मिलकर मिला होगा मंडल अध्यक्ष है उसका प्रताप। तो सांसद जी ने क्या कहा आपसे? लोगों ने कहा क्यों आए सांसद जी? क्या कहा सांसद जी ने? अगर हम उन पर भरोसा नहीं तो क्यों आए हमारे पास? तो आपको टहला दिया क्या? हाँ, अच्छा, वो मंडल अध्यक्ष है, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, और रुपया दिया उसने थाने में, छुट्टी भी बात कर रहा था। 12 तारीख को हमारे ये रिश्तेदार हैं, साड़ी लगते हैं, उनका मर्डर हुआ है। इस बात को लेकर सांसद जी के पास आए, सांसद जी कह रहे तुम, हम जो बात सांसद जी को बताना चाहते थे सांसद जी उनका हमें बता रहे नहीं, इस केस में आपके ऐसे ऐसे हुआ है, दूसरी पार्टी हमारे हमको बता चुकी है। और वो आदमी गाँव में कहता है सांसद जी के हमारे पास अच्छे ताल्लुकात हैं, मंडल अध्यक्ष है वो, सांसद जी ये है, दोनों भाजपा के हैं। तो सांसद जी के पास अभी आपने शिकायत की, तो क्या उन्होंने कहा? सांसद जी ने कहा है कि ऐसे ऐसे हम इंस्पेक्टर से बात करेंगे, इंस्पेक्टर को फोन भी लगाया तो इंस्पेक्टर छुट्टी पे है ऐसा बताया, तो सांसद जी ने कहा हम बाद में बात करेंगे आप लोग। जौनपुर में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में गाली गलौज चल गई और इसके साथ गोलियां चल गई। इस दौरान पास में खड़े एक युवक को गोली लग गई, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूरे मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। ललितपुर के एसओजी में तैनात सिपाही के भाई की पुश्तैनी जमीन पर सपा शासन के दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया, जिसके बाद करीब आधा एकड़ जमीन पर अवैध खनन कर सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी निकालकर गड्ढों में तब्दील कर दी। बता दें, न्याय की तलाश में दर दर भटक रहे पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। हमारा समस्या ये है सर
कि हमारी नाम और हमारे मम्मी के नाम और पिताजी के नाम तीनों जनन के पास नदिया पर ज़मीन है, जिसके बगल में राम सिंह यादव अनंत राम यादव की ज़मीन है। तो जिस जबरन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं वो कर चुके हैं, और करीब करीब 50 डिसमल के आसपास ज़मीन है। एक साल से ये डेली मिट्टी उठा रहे हैं, इनकी खुद की 2 JCP हैं, 5 ट्रैक्टर हैं, और ये पूर्व काल में जो सपा शासन था वो अभी है जो नेता लोग हैं। तो सपा शासन में इनके चंद्रपाल यादव जी से अच्छे खासे संबंध हैं, तलक यादव जी से अच्छे खासे संबंध हैं, और उन्हीं की महोबा में जल्द महिला अपराधों पर अंकुश लगने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई। आज महोबा में मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में महिला बीट सिपाही द्वारा पीड़ित महिलाओं की फरियाद सुनी जाएगी। शासन की गाइडलाइन में महिला अपराधों को रोकने और कानून के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस मिशन की शुरुआत होगी। ये मिशन जिले के 428 गाँव और 121 मोहल्ले में चलाया जा रहा है, जहाँ संबंधित कर्मियों द्वारा बैठक कर चौपाल के माध्यम से जनसंवाद किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने कुख्यात बदमाश रणदीप भाटी गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, और पुलिस ने बदमाश की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। वहीं कुख्यात बदमाश के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई जारी है। रणदीप भाटी गैंग जो कि IS-298 के रूप में पंजीकृत है, हत्या डकैती लूट और अपहरण जैसे कई मामलों में संलिप्त है। इसके एक सक्रिय सदस्य योगेश जावरा द्वारा, जो स्वयं भी हत्या लूट डकैती और अपहरण जैसी तमाम वारदातों में संलिप्त था, थाना जारचा द्वारा इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और DCP ग्रेटर नोएडा महोदय के माध्यम से इसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हेतु आख्या पुलिस कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में की गई थी, जिस पर कि पुलिस कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर द्वारा धारा 54 गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्किया। सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में शोहरतगढ़ विधानसभा के विधायक और DM और अधिकारियों के साथ बहस हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, इस वीडियो में विधायक आक्रोशित होकर चिल्लाकर अपने प्रश्नों का जवाब मांगते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे सवालों को लिखित में जवाब दीजिए। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं बहुत क्लियर कर दूं, किसी तरह का कोई बहस का मामला नहीं है। उनके अपने विधानसभा में कुछ किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, जिनकी जानकारी उनको उपलब्ध करा दी गई, उन्होंने कुछ उसका लिखित मांगा है, वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। फर्जी नर्सिंग होम के अनट्रेन डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। बता दें, अनट्रेन डॉक्टर एक महिला की पथरी का ऑपरेशन कर रहे थे और इस दौरान लापरवाही करने से महिला मरीज की जान चली गई। वहीं इसके बाद महिला के परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। बता दें, अस्पताल की लापरवाही से पहले कई जान जा चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।